असलकम स्टूडेंट्स बात नाट फार प्रॉफिट ऑर्गनइजेशन अपने साथ एक और नाट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन क्रिएट करती हैं इंटरेस्टिंग आप सोच रहे होंगे कि एक नाट फॉर प्रॉफिट जो है उसको एक और नाट फॉर प्रॉफिट क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है अगर फार प्रॉफिट नाट फॉर प्रॉफिट करे या नॉट फार प्रॉफिट फार प्रॉफिट करे तो वो समझ आती है जैसे हमने पिछले मॉड्यूल्स में एक्सप्लेन और डिस्कस किया लेकिन नॉन प्रॉफिट वेंचर्स जो हैं वो कब नॉन प्रॉफिट सब्सिडरीज क्रिएट करते हैं उस वक्त जब उनको लगे कि एक और ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर होगी तो उनकी फंडिंग डिफ्रेंश और डाइवर्स हो सकती है जैसे हमने पहले बात की थी कि जो फंडर्स हैं ख़ास तौर तो पर ग्रांट फाउंडेशंस हैं जो फाउंडेशंस ग्रांट्स देती हैं वो बहुत कैटागोरिकल होती हैं बाजुकात कुछ ख़ास काज़ के लिए वो फंडिंग करती हैं कुछ और काज़ के लिए खा वो कितनी ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो फंडिंग नहीं करती ऐसे में अगर कोई नॉट पर प्रॉफिट जो है वो एक ख़ास मिशन पर काम कर रही है लेकिन उस मिशन के लिए उसे ग्रांट अवेलेबल नहीं है उसे फंडिंग अवेलेबल नहीं है तो वो एक और नॉट फॉर प्रॉफिट क्रिएट करके फंडिंग अट्रैक्ट कर सकती है किसी दूसरे कॉज के लिए जो उसके मेन कॉज़ को या तो सपोर्ट करता हो या उससे मिलता जुलता हो इवन बाजुकात बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं इसी तरह नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बाजुकात एक ऐसी सिचुएशन से दो चार होती हैं जिसमें अगर उनके पास एक फंडिंग होगी तो उन्हें दूसरी फंडिंग नहीं मिल सकती जैसे आप में से जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें जब स्कॉलरशिप मिलते होंगे तो एक अंडरटेकिंग होती है कि ये वाह स्कॉलरशिप है जो मैं ले रही हूँ अगर मुझे कोई और स्कॉलरशिप मिलेगा तो मैं फ़ौर इस स्कॉलरशिप की अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करूँगी और मैं एक वक्त में एक ही स्कॉलरशिप रख सकती हूँ ऐसे में कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर एक ग्रांट ले रही है एक फंडिंग उसे मिल रही है और उस फंडिंग के साथ ये कंडीशनलिटी है कि वो एक और फंडिंग नहीं ले सकती तो उसके लिए बजाय इसके कि जहाँ रिसोर्स केयर्स हैं वो उस फंडिंग को जाने दे वो एक और नॉट फॉर प्रॉफिट जो है उसे क्रिएट करके वो फंडिंग उधर चैनल कर सकती है तो ये मुख्तलिफ़ सिचुएशंस हैं जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अपने साथ एक और नॉट फॉर प्रॉफिट सब्सिडरी क्रिएट करती हैं उन्हें एक्सपीरियंस तो होता ही है कॉजस को परसू करने का सोशल सर्विसेज को डिलीवर करने का उनके लिए और उन्हें अपनी लिमिटेशंस भी पता हैं तो वो जस्ट डाइवर्सिफाई करने के लिए अपने फंडिंग सोर्सेज को एक और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकती हैं इसी तरह वो अपनी सर्विसेज को डायवर्सिफाई करने के लिए भी एक और नॉट फॉर प्रॉफिट क्रिएट कर सकती हैं इसके एग्ज़ाम्पल्स अगेन क्लोज़र टू होम हमें मैसर नहीं है हमारे यहाँ लोग जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट क्रिएट करते हैं वो उसी के ज़रिए से अमूमन और उसी मिशन को फोकस करके काम करने की कोशिश करते हैं एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो वो अगेन अमेरिका से है वहाँ पे रीसर्व के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉट फॉर प्रॉफिट की नॉट फॉर प्रॉफिट सब्सिडरी की एग्ज़ाम्पल है रीसर्व जो है वो रिटायर्ड लोगों को दोबारा एम्प्लॉय करती है उससे दो फायदे होते हैं एक तो जो ओल्डर एडल्ट्स हैं बूढ़े लोग हैं रिटायर्ड हैं वो अपनी रिटायरमेंट की उम्र को तो पहुंच गए लेकिन वो एक्टिव हैं वो काम कर सकते हैं उनके पास एक्सपर्टीज़ हैं अब गवर्नमेंट या उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें मज़ीद रिटेन नहीं कर सकती क्योंकि रिटायरमेंट की एक ऑफिशियल एज है लेकिन बस दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनको हायर कर सकती हैं उनकी एक्सपर्टीज़ के लिए जो उनकी खास स्किल्स हैं उनके हवाले से इस तरह ये रिटायरीज जो हैं वो भी अपने आप को एक्टिव रखते हैं वो अपने आप को एक कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन के तौर पे महसूस करते हैं एक्टिव रहते हैं और दूसरी तरफ वो ऑर्गेनाइजेशन जो एक फुल फ्लैज किसी ऑफिशियल को किसी एम्प्लॉय को अफोर्ड नहीं कर सकती वो पार्ट टाइम ऐसे लोगों को हायर कर लेती हैं ये रीसर्व के नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये जब रिटायरीज की प्लेसमेंट करवाती थी तो उन्हें एक मुश्किल आती थी कि जो ऑर्गेनाइजेशन रिटायरीज़ को पार्ट टाइम या कुछ खास असाइनमेंट फोकस्ड चीज़ों के लिए हायर करती हैं वो उन्हें हायर करने में तो खुश हैं क्योंकि वेल्थ ऑफ नॉलेज आ रही है लेकिन वो टैक्सेशन इश्यूज की वजह से अपनी लीगल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनकी वजह से उनका पे रोल मेंटेन नहीं करना चाहती वो उन्हें अपने पे रोल पर नहीं लाना चाहती वो वन ऑफ उन्हें पार्ट टाइम के तौर पे या एक वो जो असाइनमेंट है उस पर फोकस करके चाहती हैं कि सिर्फ उसी में वो आए वो उनके रेगुलर एम्प्लॉ शो ना हो अमेरिकन लॉज के मुताबिक ऐसे में रीसर्व जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपने साथ एक और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जो कि इन रिटायरीज का जो पे रोल है उसे मेंटेन करती कि किसको कहाँ पर जॉब मिली है वो उसको कितना पे करते हैं उसके टैक्सेशन के इश्यूज उसके पेंशन फंड के इश्यूज वो सारी चीज़ें लुक आफ्टर करके रिटायरीज़ को उनके जो पैसे हैं वो मिल जाते जो ऑर्गेनाइजेशन रिटायरीज को हायर करती हैं उनके लिए आसानी है कि उन्हें मज़ीद कोई लीगल इश्यूज में नहीं पढ़ना पड़ता वो ज़्यादा पे करने को तैयार हैं री को इस सर्विस के बदले में जो वो इस पे रोल को मेंटेन करने में दे रहे हैं री का एक अपना पर्पज़ है यानी ओल्ड एज लोगों को बूढ़े लोगों को एक एक्टिव लाइफ स्टाइल फ्राहम करना उनकी खदमात जो हैं वो लोगों तक पहुँचाना और दूसरी तरफ उसकी जो दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट सिस्टर है या सब्सिडरी है उसका काम है जस्ट पे रोल्स को मेंटेन करना टू फैसिलिटेट देयर मेन मिशन के रिटायरीज को कैसे दोबारा री एम्प्लॉय या री सर्व करने पर लगाया जा सकता है तो ये एक अच्छी एग्जांपल है कि कैसे जब नॉट फॉर प्रॉफिट्स अपने मिशन की वजह से लिमिटेड हों लेकिन इनकम अपॉर्चुनिटीज़ या फंडिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हों तो उनको अवेल करने के लिए वो एक और नॉट फॉर प्रॉफिट सब्सिडी क्रिएट कर लें क्योंकि उन्हें इस काम का एक्सपीरियंस है उन्हें कुछ खास नया करना नहीं पड़ना लेकिन एक एडिशनल इनकम भी आ जाएगी जो उनके मेन मिशन को भी सपोर्ट करेगी थैंक यू